अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीका नज़ीर। आज का वीडियो जो है वो मैंने जश्न डल के रिगार्डिंग बनाया है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट किया गया और डल की अहमियत जो है उसको सराहा गया और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया गया कि आबी ज़खायर जो है उनकी क्या अहमियत है और हमारे कश्मीर का जो डल है, जो हमारा एक सरमाया है, उसकी भी क्या अहमियत है। इस रिलेटेड एक वीडियो न्यूज के जरिए सामने आया है, कश्मीर अहेड से मैंने ये वीडियो लिया है। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद उस पर बात करते हैं। डल उत्सव के माफक है, एक मेले के माफक है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चों के साथ, साथियों के साथ, प्लेयर्स के साथ और वाटर स्पोर्ट्स की एसोसिएशन के साथ मिलकर के मनाते हैं जश्न डल। डल की खूबसूरती को, डल की अहमियत को पहचानने का और इसको लोगों तक पहुंचाने का जरिया है जश्न डल। अपने नौजवान साथियों को, हमारे बच्चों को जो वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म जरिया, उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करने का जरिया है। और ये एक जरिया है कि जो बच्चे जहां पर हमारे हुनरमंद हैं उनको पहचाना जाए और उनको इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाए। अपनी सिविक एक्शन कार्रवाइयाँ, जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स है, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम स्पॉन्सर करती है और उन कार्यक्रम के अंदर जो नौजवान बच्चे हमारे अलग अलग जगहों पे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको स्पॉन्सर करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम भी हम लोग करते हैं। प्रेस्टीजियस इवेंट है और जेके पुलिस का हमेशा बड़ा रोल रहा है वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आज इस वाटर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, चाहे वो रूरल बेल्ट हो, चाहे शुपियन हो, गांधरबल हो, बांडीपुरा हो, बारामूला हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आया है। इसमें 36 इवेंट्स होंगे और इस इवेंट में सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है 50% वुमेन पार्टिसिपेशन है और जो हमें और आगे ले जाएगा और यहाँ से प्लेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। खैर, वीडियो आपने देख लिया और जानकर आपको भी और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि वाटर स्पोर्ट्स जो है कश्मीर में बाकी अदर स्पोर्ट्स जो है उनकी तरह प्रमोट हो रहा है और न सिर्फ श्रीनगर से बल्कि कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं और इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उससे भी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस पार्टिसिपेशन में 50% जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन है, जो कि बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। और हमारा J&K जो है इस हवाले से आगे बढ़ रहा है और अपनी पहचान बनाने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ रहा है। आज तक आपने मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें मैंने आपको दिखाया होगा अलग अलग प्रोग्राम्स या अलग अलग इनिशिएटिव जो कश्मीर में हो रहे हैं, लेकिन इन इनिशिएटिव्स से असल में फ़ायदा क्या मिलता है हमारी सोसाइटी को और हमारी सोसाइटी में ये कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। एक बहुत ही खास न्यूज़ सामने आई है कि कश्मीर में जो मिलिटेंट काउंट होता था वो दिन ब दिन डिक्रीज होता जा रहा है और इंशाल्लाह एक दिन इस टेररिज्म का खात्मा जो है पूरे तरीके से कश्मीर से होगा। और इस माइलस्टोन को अचीव करने में सबसे बड़ा रोल जो इन प्रोग्राम्स का भी है, जिसमें बच्चों को जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को प्रेजेंट करने का, अलग फील्ड में आने का, वहां अपने आप को दिखाने का और वहां अपने स्किल्स को ग्रूम करने का, उन पे वर्क करने का। इस माइलस्टोन को अचीव करने में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस भी डिपार्टमेंट ने वर्क किया है, दिन रात मेहनत करके वर्क किया है कश्मीर के बच्चों पे, कश्मीर के नौजवान बच्चों पे, उनके लिए सबसे बड़ा अप्रिसिएशन होना चाहिए। तब जाके जब उन्होंने एफर्ट्स लगाए, जब सब ने, सिविल सोसाइटी ने, आम लोगों ने कोऑपरेट किया, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एफर्ट लगाया, तब जाके हम ये माइलस्टोन जो है अचीव कर पाए हैं कि आज J&K में जहां हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता था, सुर्खियों में रहता था कश्मीर,
कभी यहाँ पे पथराव हुआ, कभी वहाँ पे ये चीज़ हो गई। आज उसी कश्मीर में अलग अलग बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं और बच्चे जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेल कर रहे हैं। ये अप्रिसिएशन उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है, उन लोगों को जिन्होंने अपना कोऑपरेशन दिखाया है, उन डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस चीज़ को पॉसिबल बनाया कश्मीर में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट जो है मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनिका नज़ीर। थैंक यू।